मुरैना के लेपा भिसोड़ा गांव में एक परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव के 2 परिवारों के बीच पिछले 10 साल से रंजिश चल रही है, जिसके चलते एक परिवार ने दूसरे परिवार पर फायरिंग कर दी, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं मारी गई हैं। सभी एक ही परिवार के हैं। वहीं गोलीबारी में 3 लोग भी घायल हुए हैं। मुरैना के लेपा भिसोडा गांव में शुक्रवार को एक परिवार पर दूसरे पक्ष के लोगों ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 6 लोग मारे गए। पुलिस ने बताया कि गांव के 2 परिवारों के बीच पिछले 10 साल से रंजिश है। इसके चलते ही शुक्रवार को एक परिवार ने दूसरे परिवार पर फायरिंग कर दी। मुरैना में हुए हत्याकांड का वीडियो सामने आया है। इसमें हमलावर लोगों को लाठियों से पीट रहे हैं। कुछ लोग बंदूक और लाठियां लेकर सड़क पर खड़े हैं। इसी बीच एक युवक आता है और एक के बाद एक 5 लोगों को गोली मार देता है। गोली लगने से 3 पुरुष और 2 महिलाएं जमीन पर गिर पड़े। घटनास्थल पर बच्चे भी थे, जिन्हें एक महिला आवाज देकर बुला लेती है। इस महिला की आवाज भी वीडियो में आ रही है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फायरिंग में लेस कुमारी, बबली, मधु कुमारी, गजेंद्र सिंह, सत्य प्रकाश व संजू सिंह मारे गए हैं। लेपा गांव के रंजीत तोमर और राधे तोमर के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। 2014 में रंजीत तोमर के पक्ष में राधे तोमर के परिवार के 3 लोगों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद रंजीत का परिवार गांव छोड़कर चला गया था। कुछ दिन पहले ही वह गांव में लौटा तो बदला लेने की नियत से हमला किया गया। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं। सत्य का अन्वेषण, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।